हाय गाइस, WWE हिंदी उर्दू चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एलिमिनेशन चैम्बर की कुछ प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली प्रेडिक्शन है WWE क्रूजरवेट चैंपियनशिप के बारे में, जिसका मैच एंजो उमोरा और कैट्रिक अलेक्जेंडर के बीच में हो सकता है। इनका मैच रॉयल रंबल में भी अभी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एलिमिनेशन चैम्बर में भी दोबारा इनका मैच देखने को मिलेगा। दूसरी प्रेडिक्शन आती है WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में। ये मैच सेट रॉलिंस जैसन जॉर्डन का आता रिवाइवल के खिलाफ होने वाला है। WWE रॉयल रंबल में सेट रॉलिंस द वॉर के खिलाफ खेलने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि सेट रॉलिंस जैसन जॉर्डन अपना टाइटल बरकरार रखेंगे। इससे अगला मैच आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, जिसका मैच रोमन रेंज और तस्मोजो के साथ होने वाला है। WWE रॉयल रंबल में रोमन रेंज का मुकाबला दावेज के साथ ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। उम्मीद है कि रोमन रेंज अपना टाइटल बरकरार रखकर एलिमिनेशन चैम्बर में तस्मोजो के खिलाफ खेलेंगे। और आखिरी मैच आता है WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, जिसका मैच ब्रॉक लेसनर और ब्रॉक स्ट्रोमन के दरमियान होने वाला है। उम्मीद है कि ब्रॉक लेसनर WWE रॉयल रंबल में अपना टाइटल बरकरार रखकर एलिमिनेशन चैम्बर में ब्रॉक स्ट्रोमन के खिलाफ खेलने वाले हैं। यह थी मेरी प्रेडिक्शन WWE एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा।